Current electricity. Current electricity हाँ बेटा, अब तक आप लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था? चार्ज इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था. क्यों? यानी कि चार्ज क्या था? पूरे वॉल्यूम में कहीं मूव नहीं करता था, हमेशा जहाँ होता था फिक्स रह जाता था. चार्ज इज ऑलवेज एट रेस्ट. लेकिन अब चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. हम लोगों ने आपको मेटेरियल की प्रॉपर्टी में एक चीज़ बताई दी थी कि भाई तीन तरह के मेटेरियल होते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स वो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स वो जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू बाउंड होते हैं आपस में, और इंसुलेटर्स वो जिनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. ओके, तो पहली बात तो बेटे करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज वॉट? इलेक्ट्रिक करंट. ये बेसिक डेफिनेशन थी. टेंथ में भी हम लोग यही पढ़ते हैं. अब हालांकि इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें जानेंगे. क्या चार्ज के बारे में तुम जान ही चुके हैं? क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्यों? अब उसका क्या देख रहे हैं? फ्लो. अब चूंकि मैथ्स वाले सब बच्चे हैं, रेट का मतलब समझते हैं. रेट मतलब सर दो रेट, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज रेट. तो इसका मतलब जब भी रेट होंगे तो दो तरह के रेट होंगे, और इसको अगर मैं करंट कह रहा हूँ तो मेरे पास करंट कितने तरह की होगी बेटे? दो तरह की होगी. बहुत फंडामेंटल जाने की जरूरत नहीं है, है ना? तो इसका मतलब ये करंट मेरे पास कितने तरह की होगी? दो, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या कहूँ सर? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. कौन सी करंट? एवरेज करंट अगर मैं किसी इंटरवल की बात कर रहा हूँ, और अगर ये क्या हो गया भाई? इंस्टेंटेनियस रेट. तो डी क्यू बाई डी टी मेरे पास आ गया इंस्टेंटेनियस करंट. यूनिट की बात करूं, एम्पियर. कौन फंडामेंटल है, चार्ज या करंट? करंट फंडामेंटल है भाई, ध्यान रहे. जो आई है बेसिकली इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. और इसके जो ऐसा ही यूनिट है वो क्या है भाई? बेटे एम्पियर. आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. और बेसिकली जो किसी कंडक्टर के अंदर ई माइनस, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स के हम लोग बात करते हैं, अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की अपोजिट डायरेक्शन है इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट आई बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीज़ें ई प्लस से चलती हैं, हमेशा पॉजिटिव के लिए चलती हैं. तो इसलिए हम लोग, वैसे तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किसी क्लोज सर्किट में, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के इधर मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करती है? क्या करंट फ्लो करती है? तो यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी आई, दिस आई इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपको चार्ज दिया हो. अच्छा, करंट स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट डज नॉट ऑबे वेक्टर लॉस. भाई 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की करंट अगर 90 डिग्री पर है तो सम 5 एम्पियर आना चाहिए था, लेकिन कितना आता है? 7 एम्पियर आता है. 7 एम्पियर तो सिंपल स्केलर सम, एंगल बदलने पर फर्क ही नहीं पड़ रहा. इसका मतलब करंट वेक्टर लॉ को ऑबे नहीं करते. That's why it is a scalar quantity. क्वेश्चन करते हैं. मान लो आपको Q बराबर दे रखा है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, तो आपसे कह रहा है फाइंड I एवरेज t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड I इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड.
फाइंड आई एवरेज, जीरो से दो सेकंड तक और आई इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड. आ गया बेटे, क्या करूं सर? सबसे पहले जब आई एवरेज पूछ रहा है तो एक काम कीजिए, क्यू 2 सेकंड पर माइनस क्यू 0/2 - 1 और 2 पे कितना भाई? क्या कहो? 2 - 0. अच्छा ठीक है ना. अब ये कितना भाई 2 पे? 4+2+1 - 1/2. इज दिस बी 3 एम्पियर? और जब इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो डी क्यू बाई डी टी कर दूंगा. इज दिस बी 2t+1? सो आई इज इक्वल्स टू कितने पर? तो 2 × 2+1 से इट इज 4+1, दैट इज वॉट? 5 एम्पियर. जब किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा जाता, कंडक्टर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे भी होते हैं, होते ही हैं. हालांकि कहानी ज्यादा पुरानी है, नहीं तो कोई कहानी अब तक आई नहीं. जब किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा जाता तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो करंट होती है. व्हेन ई इज जीरो. जब किसी कंडक्टर को बेटे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा जाता तो उसके अंदर बहने वाला करंट क्या होता है? जीरो. बात हजम इसलिए नहीं होती सर, ऐसा थोड़ी है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऐसा थोड़े ही ना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हैं भी, तो फिर इसके अंदर करंट जीरो क्यों है जबकि इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया है? ओके, क्या रीज़न है? डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, टक्कर बहुत ज़्यादा लग रही है बहुत कम समय में, तो जो रैंडमनेस है, क्योंकि ऑब्वियसली थर्मल वेलोसिटी तो होती है ना नॉर्मल टेम्परेचर पर. क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली गैस की तरह ट्रीट करते हैं और इसके पास एक थर्मल वेलोसिटी होती है, तो थर्मल वेलोसिटी के कारण वीआरएमएस है, इनका मूवमेंट है, लेकिन जो मूवमेंट है वो एक जिगजैग मूवमेंट है. यानी कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से, जाता हमेशा स्ट्रेट लाइन है, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन पर टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद कहानी बदल गई, फिर ये कुछ यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और अल्टीमेटली लौट के बुद्धू कहाँ आए? घर को आए, टक्करें खाई और वापस यहीं. डिस्प्लेसमेंट कितना बेटे इसका? इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो. नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि नेट तो इसका मतलब नेट एवरेज वेलोसिटी भी जीरो. क्यों भाई? यानी कि इसके एवरेज वेलोसिटी भी तो कितनी हुई? जीरो. यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जीरो. तो नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो. तो इसका मतलब ये माना जाता है कि एक्चुअल में जो नेट करंट है वो कितनी हो गई? जीरो. हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि इस मोमेंट का हमें फायदा ही नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली घूम फिर करके तो यहीं आ रहा है, जाएगा ऐसे ही. ऐसा कभी नहीं होगा कि इसको जहीं रॉकेट क्या रहा, रॉकेट की तरह आ रहा हूँ, हट जाओ जगह दे दो, यहाँ से गोली की तरह निकल जाए, हट जाओ जगह दे दो, मुझे सीधा बाहर जाना है. कुछ नहीं हो सकता, जब भी जगह मिलेगी सीधी टक्कर होगी, टक्कर लगेगी, टक्कर लग करके घूम फिर करके यहीं आ जाएगा. क्लियर है? वॉट विल हैपन कि अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाएगा
हाँ बेटा क्या होगा इस सिचुएशन में? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगी, कितनी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितनी? क्या ई ई? और ई प्लस होगा तो सेम डायरेक्शन में। अरे भाई या तो ये या ई प्लस पे ये। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटे, जब ये यहां से चला यहां आया तो यहां की वजह थोड़ा सा लिटिल बिट क्या हो जाएगा, हल्का सा शिफ्ट होने लगेगा। किसकी वजह से? ई ई की वजह से। तो यहां की वजह कहां पहुंचेगा? थोड़ा सा फाइनली इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? क्या ई ई की वजह से? यानी कि अब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, और अगर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो इसका मतलब इसके पास एक एवरेज वेलोसिटी है। ये एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती? ना ना ना, इसी को तो ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी कि किसी एक्सटर्नल फील्ड के अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन का अब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो करके वो फील्ड की डायरेक्शन में, ध्यान रखना सॉरी ई प्लस की बात कर रहा हूं, ई माइनस होता तो अपोजिट टू ई होता, तो ई प्लस है तो वो फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास इसकी एवरेज वेलोसिटी है, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज वॉट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इट्स वैल्यू इज 10^-3 मीटर पर सेकेंड टू 10^-5 मीटर पर सेकेंड तक, ये भाई इसकी रेंज है। कम है बहुत कम है? है बहुत कम है। तो जरा सोचो इतनी मिनिमम स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन बेचारा है, पी पॉजिटिव प्लस, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और यही अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो करंट बनाती है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है एक एंड से कहाँ दूसरे एंड तक, और करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ओके तो इनिशियली इंपॉर्टेंट ये है, एक बेसिक सवाल यहाँ से बनता है कि जब थर्मल टेम्परेचर है लेकिन इलेक्ट्रॉन भी हैं, करंट क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसका कारण ये है कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नेट इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो। जब बेटे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इसके कारण इस पर फोर्स मिल करके इसको ड्रिफ्ट मिलेगी, और इस ड्रिफ्ट के कारण अब ये क्या करेगा, मूव करेगा। अब सवाल ये आता है, सर अगर मान लीजिए इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो फिर ये तो अजीब सा लगता है, स्विच ओपन करते ही लाइट जल का बल्ब जल जाता है, ये तो बहुत तेजी से होता है, क्यों इसका तो ये तो फिर अलग चीज हुई। एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब बच्चे जानते हैं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है मेटल के अंदर, मानो एक कमरे के अंदर लोग घुसे पड़े हैं जबरदस्त तरीके से, एक और आदमी एंट्री मारेगा तो कुछ नहीं हो सकता, अगर एक आदमी एंट्री मारेगा तो दूसरे को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ये तो एक सिग्नल हुआ ना। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी यहाँ से, हट जाओ मैं जा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ मुझे जाना ये नहीं हो सकता, तुम तो यहीं बंधे रहोगे, जगह ही नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर मैं इधर घुस जाऊँगा तो दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और जैसे ही बाहर हो जाएगा तो सर्किट कंप्लीट होकर के क्या फ्लो करने लगेगी, करंट फ्लो करने लगेगी। क्या सबको मेरी बात क्लियर है? बोलिए। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एंड देयर इज अ रिलेशनशिप जो हम लोग प्रूव करेंगे, आई बराबर एन ई ए वी डी, ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे ड्राइव करेंगे। अच्छा एक और बात बता दूं बेटे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। बेटे वो स्टैटिक केस में है, हम लोग क्या पढ़ते हैं इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो तब है जब हम क्या पढ़ रहे होते हैं, स्टैटिक, यानी कि चार्ज इज एट रेस्ट। जब करंट क्या है, यानी कि चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं विद इन वॉल्यूम करंट है, तो बेटे ई बराबर जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ई बराबर जीरो है ही तब जबकि ऑल चार्जेस आर एट रेस्ट। इफ देर इज अ करंट इन द कंडक्टर देन देर इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर इज नॉन जीरो। बेटे मेरी बात क्लियर है? तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि सर अंदर तो ई जीरो होना चाहिए तो फिर क्यू ई फोर्स कैसे लग गया, वो बेटे तब था जबकि चार्ज क्या था, रेस्ट पर। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो फिर ई का सिग्निफिकेंस है। ओके इतना कर लेते हैं आज।